हेलो नमस्कार। बिग बॉस 15 का आगाज हो चुका है, रियलिटी शोज का बाप ये बिग बॉस 15 कल से शुरू हो गया। सलमान खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कंटेस्टेंट को जंगल रूपी नकली जंगल, ये जो थीम है और ये कैसे ऑन द मूव गिरेगी, इसके बारे में कुछ दिन पहले एक वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं मैं। वहां मैंने कहा भी था कि ये तो नकली जंगल होगा, फिल्म सिटी के थोड़े बहुत झाड़ झाड़ियां वगैरह दिखा दिया जाएंगे। और जैसे कि मैंने देखा, एक दो नल बिस्ट और उनके साथ एक और बड़बोला जो ईशान करके था, जिसको कि आसिम के भाई ने जो छोटा सा सुल्तानी अखाड़ा था वहां हरा दिया। लेकिन हमने देखा दो नल बिस्ट कैसी दो गली भी है। एक तरफ कह रही थी कि उसे मैनिपुलेशन करने वाले लोग पसंद नहीं आते, वहीं उसने खुद आई विल बी वेरी फेयर बोलकर मैनिपुलेट कर दिया स्टेज के ऊपर ही सलमान खान की आंखों के सामने। वैसा मैंने सलमान खान का जिक्र किया है तो जरा सलमान खान की एक बात और कर लेते हैं कि 25 फरवरी को मैंने एक वीडियो डाला था जब बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले के टाइम पर सलमान खान ने कहा था, इंडिया जाइए वोट पे और ऑडिशन दीजिए, बिग बॉस 15 के लिए कॉमनर्स के दरवाजे खुल चुके हैं इतिहास में सबसे पहली बार। गजब बात है यार, मतलब कोई इतना गलत और इतना झूठा और इतना दोगला कैसे हो सकता है। बिग बॉस 15 का आगाज हो चुका और हमें तो कोई कॉमनर देखने को नहीं मिला। हाँ ये जरूर है कि बिग बॉस OTT के टाइम पर मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो मैंने शॉर्ट के रूप में ट्विटर पर और इंस्टाग्राम रील्स पर भी डाला। इनकेस अगर आप नहीं देख पाए तो पहले देख लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते। यू नो बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिग बॉस के नए सीजन यानी के सीजन 15 के लिए आप खुद ऑडिशन कर पाएंगे और वोट करेगी देश की जनता। इस बार का बिग बॉस तो आपने देखा सलमान खान ने कैसे बड़ी बड़ी बातें की और फिर यहाँ कॉमनर के नाम पर पब्लिक को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया। पब्लिक से पैसे ले लिया, 299, 399, 499 के लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए। आप विडंबना देखिए, हमारे यहाँ 100 रुपए पेट्रोल हो गया तो बड़ी महंगाई की बातें होती है, लेकिन अभी थिएटर खुल गए हैं और सलमान खान ने बोल दिया तो लोगों ने वूट के सब्सक्रिप्शन लेके करोड़ों रुपए दे डाले वूट वालों को, कलर्स वालों को। और पब्लिक को इन रिटर्न क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब ना कोई महंगाई की बात करेगा ना कुछ, ये बड़ी सेलेक्टिव सी चीज हो जाती है। अगर लोगों को अपने अय्याशी और ऐशो आराम और या अपने हिसाब से खर्च करना तो लोग महंगाई नहीं देखते, लेकिन फिर रोजमर्रा धनिया पालक आलू इनके ऊपर महंगाई का रोना रोया जाता है। कहने का मेरा मतलब बस यही कि जब मैंने ये ऑडिशन का सुना, मैंने एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करा कि आप ऑडिशन देंगे, आपको सपने आप बनाएंगे, सपने मेकर्स तोड़ देंगे, लेकिन कुछ ठुल्ले जो मेकर्स के पेरोल पर चलते, दोस्तों ऑडिशन ऐसे दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, दोस्तों अपने वीडियो में ये गलती मत करना, दोस्तों आप ऐसा ऑडिशन बनाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता, किसी कॉमनर को देखा आपने यहाँ पर? मेरे कहने का बस यही मतलब है कि मैं आपको टाइम से पहले एडवांस में ही अलर्ट कर देता हूँ, अवेयर कर देता हूँ कि भैया ऑडिशन के नाम पर सिर्फ या लूटपाट फ्रॉड होगा, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं और उन ठुल्लों की बातों में निकल पड़ते हैं। अब तो समझ जाइए जनता, यहाँ कॉमनर्स के नाम पर सिर्फ नेपोटिज्म, कलर्स, MTV के फेसेस का बोलबाला है। नेपोटिज्म के नाम पर यहाँ पर लोग उमर रियाज का बहुत नाम ले रहे हैं, सिर्फ उमर रियाज दिखा आपको, सविता शेट्टी, प्रतीक, करण कुंद्रा, तेजस्विनी, ये सब कहाँ से आ रहे हैं साहब? ये कलर्स का, MTV का नेपोटिज्म, इनका कोटा आपको दिखाई नहीं देता? हमारे देश में देख लीजिए साहब, सरकारी नौकरी के लिए इतने रिजर्वेशन है, कोटा है, आरक्षण है, SC, ST, OBC, अब तो अलग अलग जाति के कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं आरक्षण दो, जनरल कैटेगरी वाले बेचारे सड़क पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन यार बिग बॉस के टाइम पर ये जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, सब अपने अपने वो कलर्स के MTV के फेसेस को सपोर्ट करने लगते हैं। वहां नहीं बोलते कि साहब यहाँ कोटा सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा है, इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। यहाँ पर आसिम का भाई आया, लेकिन उसमें इतना एक ग्रेटिट्यूड है, उसने कहा कि हाँ आसिम की वजह से बिग बॉस 13 की टीम से वो कॉन्टैक्ट में आया और उसके बाद यहाँ एक खुद की वो आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाना चाहता है। वही हमने बिग बॉस OTT में शमिता शेट्टी को भी देखा था जो कि नेपोटिज्म की ही देन है, लेकिन उनके अंदर एक हम्बल या ग्रेटिट्यूड वाला जो फंडा होता ना वो नहीं था। मैंने 20 साल काम किया, नहीं 20 साल, इन मुझे रिस्पेक्ट था, मैंने 20 साल काम किया। इन 20 सालों में शमिता शेट्टी ने अपने बूते एक सोलो हिट फिल्म नहीं दी, लेकिन यहां पर आप देख लीजिए एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है पर्सनैलिटी में। उमर रियाज को जस्ट बिकॉज की वो आसिम का भाई है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जिस तरीके से उसने अपने पॉइंट रखे स्टेज के ऊपर, वो जो दो नल दोगली
का जो दोगलापन था वो सामने रख दिया, अपने पॉइंट उसने खुल कर रखे कि आसिम की वजह से नहीं, वो अपने खुद की नाम की वजह से जाना और पहचाना जाना पसंद करेगा। आसिम 2.0 नहीं, वो उमर रियाज 1.0 के रूप से अगर जाना जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बात ही बात में उमर रियाज ने एक बात और कही कि 2 हफ्ते का समय है, दैट मीन्स वॉट, क्या 2 वीक की उसको इम्यूनिटी यानी मिनिमम गारंटी मिली हुई है? अब मिनिमम गारंटी होती है, ये चीज बार बार क्लियर हो चुकी है। उमर रियाज को अगर 2 वीक की गारंटी दी गई है तो यहाँ पर क्लियरली साबित हो जाएगा कि तेजस्विनी जो कि खतरों का खिलाड़ी में काफी डिजर्विंग थी, कलर्स के बहुत ज्यादा शोज उन्होंने किए हैं तो ऑब्वियसली वो टॉप 3 में जाने वाली हैं। वो एड़ा बन के पेड़ा, मतलब बहुत ही क्यूट इनोसेंट मासूम बन रही हैं, लेकिन खतरों का खिलाड़ी में इन्होंने दिखाया था ये कितनी खतरनाक खिलाड़ी हो सकती है। स्टेज पर उनके साथ एक विशाल कोटियन भी था, उसकी जो जर्नी थी, गैरेज वाले का लड़का, सलमान खान की फिल्में देखी, टिकट ब्लैक करे, फीस भरी और MBA फाइनेंस करके आज एक सेलिब्रिटी बन चुका है, उसकी जर्नी मुझे और वो लड़का काफी इंटरेस्टिंग लग भी रहा है। लेट्स सी आगे कैसा जाता है। और बाकी तो MTV कलर्स के खच्चर लोग पहुंच गए, वो सिम्बा फिम्बा और वो डोनल बेस्ट करके कोई विधि करके और एक आध कुछ सिंगर वगैरह हैं। और वहीं जय भानुशाली और उमर रियाज का बिग बॉस 13 में एक पैनल जब डिस्कशन के लिए आए थे, ऑब्वियसली उमर अपने भाई के सपोर्ट में आया था और जय भानुशाली अपने क्लाइंट्स यानी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज जिसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर वो कपड़े वगैरह जय की वाइफ माही ही देख रही थी, उनकी अलग एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि स्टेज के ऊपर या उमर और जय का थोड़ा भाव एक हल्का सा छोटी सी बेहद छोटी सी जो माइक्रोस्कोप में दिखती इतनी छोटी सी पानीपत की लड़ाई हुई थी, आई थिंक उस एक राइवलरी को उस लड़ाई को इनकैश करने के लिए, अब चूंकि क्या है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में है नहीं। और आप विडंबना देखिए कि 2 अक्टूबर यानी कल 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन सलमान खान या बेगस ने सिद्धार्थ शुक्ला का मतलब एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना भी गवारा नहीं समझा। वैसे हाँ, ट्रिब्यूट से याद आया, पाकिस्तान के एक जाने माने कॉमेडियन, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उनके फैन है, उमर शरीफ साहब जो कि पूरी दुनिया में कॉमेडियंस के कहीं ना कहीं एक आइडल रहे हैं। उनका एक स्पॉन्टेनियस अंदाज, उनका बेबाक अंदाज और वन लाइनर्स, मैंने उनके काफी सारे वीडियोज देखे हैं और कपिल शर्मा तो खैर उनको अपना आइडल मानता ही था, तो तमाम दुनिया के जितने भी कॉमेडी लवर्स हैं वो सब उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरी भी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है कि उमर शरीफ साहब की आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले और उनके परिवार को ये दुख सहने की एक शक्ति मिले। शक्ति तो आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली को भी प्रभु दे ही रहे हैं, जो वो देख रहे हैं कि जिस बिग बॉस में एक समय पर उनका लड़का गया था तो कहीं ना कहीं परिवार और जितने भी फैंस से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक इमोशनल तो हो ही गए होंगे वो तमाम लोग। तो यहाँ घर में आई थिंक कितने 12 समथिंग लोग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से डांस परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से ये नकली जंगल है काफी वाइब्रेंट है, एनर्जी से वाइब से भरपूर है और जो डांस हुआ है बहुत बढ़िया मुझे डांस परफॉर्मेंस लगा, फुल ऑन एनर्जेटिक। आई थिंक काफी टाइम के बाद बिग बॉस को इतनी अच्छी ओपनिंग मिली है, बिग बॉस 14 तो बोरिंग था, यहाँ कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आपने एक चीज नोट की होगी, जैसे थानोस के चुटकी बजा के सब लोग गायब हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक एक करके सब लोग गायब होते जा रहे थे। सबसे एंड में टिका करण कुंद्रा, उसको वुल्फ, वो जो कांच, ये सब तो बकवास चीजें थी, इनके ऊपर इतना नहीं जाता, लेकिन स्टेज के ऊपर तेजस्विनी बोली कि वो जीत के जाएगी, करण कुंद्रा सबसे एंड में जाते हैं जब ये डांस वगैरह सब गायब हो जाते हैं, करण कुंद्रा वाज द लास्ट वन, और जय भानुशाली घर के अंदर सबसे पहले पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं कि वो सबसे लास्ट में बाहर आना चाहेंगे। और सलमान खान ने कहा भी कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हो चुका है। जैसे उमर रियाज को 2 वीक का MG मिला, उसने खुद ने कहा कि 2 हफ्ते तक ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन किस्मत, ऐसे ही यहां पर जितने भी कलर्स के बड़े नाम है, चूंकि लेट्स से करण कुंद्रा MTV रोडीज में जज था, MTV लव स्कूल में वो गुरु था, और प्रतीक सहजपाल जो कि बिग बॉस OTT में था वो स्टूडेंट था, देखना इंटरेस्टिंग होगा गुरु और शिष्य की जो टक्कर होगी वह कैसी होगी। ऑब्वियसली करण कुंद्रा MTV के एक काफी VIP सेलिब्रिटी माने जाते हैं, जज वगैरह बनते हैं, तो यहां पर आई थिंक वो 10-12 वीक की मिनिमम गारंटी तो डेफिनेटली होगी। जय भानुशाली भी काफी टाइम से कलर्स का क्लाइंट रहा है, चाहे डिजाइनर सप्लाई करना हो या फिर सेलिब्रिटीज का पैनलिस्ट बनकर दोस्त बनकर घर के अंदर आना जाना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर जय भानुशाली आपको टॉप 3 में दिख जाए तो। इस फिलहाल अभी कहना बहुत जल्दी होगा, बट जिस तरीके से मेकर्स ने चीजें प्लान की हैं, करण कुंद्रा, जय भानुशाली, तेजस्विनी आपको टॉप 3 में दिखेंगे। तेजस्विनी को जो खतरों का खिलाड़ी में उनके हाथ से ट्रॉफी छीनकर तन्ना को दी गई, तो यहां पर पेबैक करने का टाइम आ चुका है मेकर्स के पास। अब तेजस्विनी अपनी शख्सियत पर्सनैलिटी से लोगों को कितना कनेक्ट कर पाती हैं कि वो टॉप 3 की बजाय नंबर 1 बन जाए, ये उनके हाथ में होगा, कैसे फैंस को वो इंप्रेस करती हैं। ओवरऑल मुझे ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड काफी अच्छा लगा। हाँ, ये
फोकड़पंती जो होती है स्टेज के ऊपर सलमान खान की, डे 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 डे, हाँ आसिम के साथ सलमान खान ने जब आसिम आई बोर्न इन कश्मीर केम टू मुंबई देन आई वेंट टू कैप्टन एंड डिड माय मॉडलिंग एंड फिटनेस, ये जो मोमेंट था ना जहां पर आई एम श्योर लोगों को बिग बॉस 13 के बहुत सारे मोमेंट याद आ गए होंगे, इमोशनल भी हो गए होंगे कुछ फैंस, तो यहाँ आसिम को देखकर बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करूंगा कि आसिम ने जो मुकाम हासिल करा उमर रियाज उससे और कई गुना ज्यादा मुकाम फैंस अर्न करे। और उमर रियाज जो कि आसिम का भाई है, जस्ट बिकॉज कि आसिम का भाई है तो मैं उसको तारीफ करूंगा, जी नहीं, वो घटिया जाएगा तो भर भर के सुनने के लिए भी वो तैयार रहे, मेरा तो स्पष्ट नजरिया है। और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने डे वन से ही किसी न किसी को फेवरेट बना ले, पारा छाबड़ा जैसे लोग ट्वीट करके पूछते कि आपका फेवरेट कौन, पहले दिन से ही फेवरेट, अबे क्या खाते ही हगने चले जाते हो क्या है, अबे मतलब रोटी तवे से उठाते से ही मुंह में ठूस लेते हो, ठंडा होने दो ना, परफॉर्मेंस देखने दो लोग कैसे क्या है, लेकिन नहीं, कलर्स हो या वो ठुल्ले लोग हो जो ऑडिशन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं या फिर पारा जैसे लोग, कौन आपका फेवरेट, अबे खेलने तो दो, घर के अंदर गए हैं नहीं, लोगों ने फैन क्लब बना लिए, आईडी बना लिए, नए नए ट्विटर अकाउंट बना लिए, और जब इनका कोई फेवरेट जल्दी निकल जाएगा तो ब्रिंग बैक के ट्रेंड करने लग जाएंगे, फिर मेकर्स को कोसेंगे बॉयकॉट बिग बॉस और अगले सीजन में फिर शुरू कर देंगे किसी न किसी को फेवरेट बनाकर वही ट्रेंड करना, ये सब ये चीजें मत कीजिए साहब, आप ऐसी चीजें करते हैं तभी मेकर्स ये शिकुफा छोड़ते हैं कि इंडिया ऑडिशन वगैरह दो, घर के अंदर आओ और आपको लूट लेते हैं, तब ना लोगों को महंगाई दिखती है और ना ही कोई जीडीपी डाउन दिखती है, तब लोग भर भर के पैसे देते हैं, सिलेक्टिव मेंटेलिटी होती है ये सब। वैसे यहाँ वीडियो खत्म करने से पहले एक फनी फैक्ट बताता हूँ आपको, इस सीजन के अंदर स्टेज के ऊपर उमर ने जिस लड़के को, उमर रियाज ने जिस लड़के को स्टेज के ऊपर, वो छोटा से सुल्तानी अखाड़े में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, वो जो लड़का है ईशान, उसने एक प्रोमो शूट करा था बिग बॉस 10 के टाइम पर कॉमनर्स के लिए, इंडिया इसे अपना घर समझो, 5 साल पहले उस लड़के ने वो प्रोमो शूट करा, उस प्रोमो शूट में माहिरा शर्मा भी थी जो कि बाद में बिग बॉस 13 में आई। तो कलर्स वाले जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको आज नहीं तो कल मौका देते ही हैं। ईशान को उस सीजन में, उस एड में, प्रोमो में काम मिला, उसके बाद उसने एमटीवी के कुछ शोज करे, बानी वगैरह के साथ म्यूजिक वीडियो करे, अब वो बिग बॉस में आ चुका है। कहने का मतलब है कि कलर्स टीवी ने अपने एक्टर्स का एक पूल तैयार करके रखा हुआ है, अपने यहाँ जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके रिश्तेदारों का पूल तैयार करके रखा हुआ है, और उन्हीं में से वो लोग किसी न किसी को ले आते हैं और पब्लिक को दे देते हैं बाबा जी का ठुल्लू, और बाहर ठुल्लो को बिठा देते हैं कि जाओ पब्लिक ऐसे वीडियो बनाओ। अब तो प्लीज समझ जाइए कि मेकर्स कलर्स का रियल इंटेंशन क्या होता है, आपकी जेब से वो पैसे ले लेते हैं, आपको बोलते हैं ऑडिशन दो, आप ऑडिशन देते हैं, फिर आप वेट करते हैं, ईगरली वेट करते हैं, और ठुल्लों को बैठा देते हैं कि देखो ये कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी, दिव्यांका त्रिपाठी, दया बहन आ रही हैं, आप लोग उन वीडियोस को भर भर के व्यूज देते हो, जबकि वो बंदा जो आपको एडवांस में अवेयर कर रहा है कि नहीं ये चीज ऐसे होगी, आप प्लीज हाइप मत बनाओ, बज मत बनाओ, आपकी उम्मीदों को मेकर्स तोड़ देंगे, आप ऐसे अफलातूनी चीजों में पैसे खर्च ना करें, लेकिन लोग उन चीजों को नहीं देखते हैं, लोग एकदम खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं और फिर बाद में बोल देते हैं देश बहुत ही बुरी हालत में जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, जब आप ऑडिशन के नाम पर पैसे खर्च करते हो तब आपको महंगाई नहीं दिखाई देती है, ये चीजें आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ये सारी चीजें आप खुद सोचिए, खुद समझिए, विचार कीजिए, आप लोग ऐसी चीजों को एनकरेज करते हो, प्रमोट करते हो, तभी मेकर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो भी डंके की चोट पर, मेरा तो एक ही नजरिया साहब, मैं पहले फरवरी के महीने में आपको बोल दिया था ऑडिशन के नाम पर स्कैम होगा, लूटपाट होगी और ले आएंगे एमटीवी फेसेस को, नेपोटिज्म को, और इवेंचुअली वही हुआ है। आपको 5-6 नवा महीना चल रहा है, सेकेंड मंथ में मैंने बोला था, 7 महीने पहले एडवांस में बोल दिया था, खतरों का खिलाड़ी का मैंने 3-4 महीने पहले एडवांस में बोल दिया था क्या होगा, चीजें होती वही हैं उसी अंदाज में जैसे कि मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, प्रेडिक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं ज्ञान देने की भाई तेरे को शो की समझ नहीं है। खैर मेरा काम है लोगों को अवेयर करना और समय से पहले आगाह कर देना, लोग फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी नहीं समझे, तो दोष उन्हीं का होता है। खैर ये रहा है मेरा ओपिनियन और मेरे जो रिव्यू होंगे वो तमाम इन्हीं तरह की चीजों पर आधारित होंगे, मेकर्स किसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं, किसको तवज्जो दे रहे हैं, एक्शन रिएक्शन जो कंटेस्टेंट के होंगे उसके ऊपर ही मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, बाहर की रेपुटेशन बाहर, अंदर आप कैसे खेलते हैं वो मेरे रिव्यू का सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया होगा। और वीडियो जब मैं शुरू करता हूं उसके पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूं मैं कि भैया मैं किसी का ना दोस्त हूं ना दुश्मन हूं, मैं सिर्फ सही और एथिकल चीज के साथ खड़ा रहूंगा, भले ही वो किसी के अगेंस्ट जाए, भले ही वो किसी के फेवर में जाए। सो आई होप कि लोग मेरा रिव्यू देखने से पहले वो डिस्क्लेमर भी पढ़ लें अच्छे से कि मैं किन किन क्राइटेरिया के ऊपर कंटेस्टेंट को जज करने वाला हूं या फिर रिव्यू करने वाला हूं। आज बिग बॉस 15 का सेकंड, वो जो ग्रैंड प्रीमियर का सेकंड पार्ट है वो भी देख लेंगे जब ओटीटी के कंटेस्टेंट दिखाए जाएंगे और कैसे क्या गेम करवट लेता है वो हम आज रात से देखना शुरू कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स, अगर आपने नहीं किया हो तो अब तो रेगुलरली हमारी मुलाकात हुआ करेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।